आज सुबह सुबह की बात है, मेरे को TVS की तरफ से कॉल आया कि सर आपका नंबर आ चुका है, आपके गाड़ी का नंबर आ चुका है। मैंने बोला भाई साहब मतलब इतनी जल्दी, मतलब अभी 18 को मैंने बाइक खरीदी थी एंड टुडे इज आई गेस 23, मतलब 5 दिन के अंदर नंबर आ गया। अच्छा लगा ये प्रोसेस मेरे को कि इतना जल्दी हो गया एंड देखते देखते मैं पहुँच गया हूँ TVS पे। वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीवन एंड होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं जाता हूँ अंदर, नंबर देखता हूँ कि नंबर कौन सा मिला है अपने बाइक को एंड जो भी नंबर है ना उसको लगवाता हूँ। तो बाइक में लग चुका है अपना नंबर प्लेट एंड ये आपको शायद से दिख रहा होगा BR01FL6376, दिस इज द नंबर ऑफ माय बाइक। ऐसे तो कोई शेयर नहीं करता है बट यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आगे में भी अच्छा लग रहा है नंबर प्लेट। एंड नंबर प्लेट लग जाने से ना बाइक की ब्रॉडनेस आगे से खासकर की पीछे से और ज्यादा बढ़ गई है एंड इसी को देखते देखते बाइक ने अपनी 150 किलोमीटर की राइड जो है ना कंप्लीट कर ली है। मतलब दिन लग गया यार, टाइम लगा 150 किलोमीटर चलाने में। मैं अभी कल बक्सर में था तो कल और परसों बाइक चल नहीं पाई एंड खड़ी रह गई थी। एक हफ्ते में एक बाइक को खरीदे हुए एक हफ्ता हो चुका है एंड बाइक मात्र चली है 150 किलोमीटर, क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आज मैं इसको लेके जा रहा हूँ लंबी राइड पे एंड देखूंगा एंड बताऊंगा आपको कि क्या रिव्यू निकाल के देती है बाइक लॉन्ग रूट पे कैसी है। आपको दोनों वीडियो मैंने जो इससे पहले डाला है वो अच्छा लगा है, इस वाले वीडियो को भी पूरा देखना, फुल सपोर्ट देना एंड आपको ना इस वाले वीडियो में ये पता चलेगा कि इस बाइक को लेके आप लॉन्ग राइड पे जा सकते हो कि नहीं। एज अ राइडर अगर आप राइड करते हो तो अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। मेरे को राइड करना ना बहुत ज्यादा पसंद है, आई हैव ऑल द राइडिंग गियर्स एंड अगर आप चैनल पे जाके चेकआउट करोगे तो आपको बहुत सारी राइडिंग वीडियोस दिखेंगी। तो मैं इस बाइक को ना पूरे स्केल पे जाके एग्जामिन करने वाला हूँ कि बाइक चलती कैसी है राइड पे। आपने कभी कुल्फी वाले का हॉर्न सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुनाता हूँ। इसका जो हॉर्न है ना वो बहुत ज्यादा फनी है बॉस, मतलब आपको ना पूरा पूरा कुल्फी बेचने वाली फीलिंग आ सकती है अगर आप इस हॉर्न को यूज करोगे। इसमें थोड़ा सा हेवी हॉर्न डालना चाहिए था TVS को, बट कोई बात नहीं, हॉर्न कोई महंगा चीज नहीं है, 300-400 रुपए में अच्छा खासा हॉर्न लग जाएगा। अगर आप हॉर्न से डिसअपॉइंट होते हैं इस बाइक में तो आप जाके हॉर्न आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं इजीली। एंड बॉस इस बाइक की हैंडलिंग के बारे में क्या ही कहना, क्या ही जबरदस्त हैंडलिंग है इस बाइक में। व्हाट अ कार मैन, व्हाट अ कार, ऑडी Q7, क्या लग्जरियस कार लग रही है, बड़े बड़े चक्के एंड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भाई सपना है कभी अपना भी होगा। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मेरे को भी जाने दो। एंड आई वॉज टेलिंग अबाउट द हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक। तो भाई हैंडलिंग के मामले में ना बहुत सुपीरियर बाइक है, क्योंकि इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ना वो मतलब रुई की तरह स्मूथ है। मेरे बातों से कनेक्ट करना कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आगे का सस्पेंशन। पीछे में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको कभी टाइट कर सकते हो, कभी लूज कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। वैसे तो पीछे का सस्पेंशन मैं अपना रिव्यू दूँ ना तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा स्टिफ आपको महसूस होगा, बट जो सीट की कुशनिंग है ना उसके वजह से आपको वो भी नहीं महसूस होगा। बहुत अच्छी बाइक है ये ओवरऑल अगर कहा जाए तो। थोड़ी सी ब्रेकिंग में कमी है, बाकी तो ये बाइक बहुत लाजवाब है। क्या भाग रही है गाड़ी, गजब, वाव। अरे रे 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 रे, रुक जाओ यार। पिछले कुछ घंटों से मैं लगातार राइड कर रहा हूँ इस वाले बाइक को एंड एज पर माई एक्सपीरियंस आप ये जो ओवर ब्रिज देख रहे हैं बहुत ही अच्छा रास्ता है एंड इस रास्ते में मैंने बाइक को भगाया 62 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैक्सिमम मैंने भगाया, क्योंकि अभी बाइक की सर्विस नहीं हुई है पहले भी, इसलिए मैंने इतना ही भगाया। एंड उसके बाद मेरी जो एक्सपीरियंस है ना पर्सनल वाली वो है कि इफ यू विश यू कैन टेक दिस बाइक टू लद्दाख एज वेल, अगर आप लद्दाख ले जा सकते हो तो सोच के देखो बाइक में कितना ज्यादा पावर है। अभी तो मैंने सिर्फ इको मोड पे ही चलाया है इसको, स्पोर्ट्स मोड पे मैंने नहीं डाला है, स्विच नहीं कराया मैंने, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप ना इसको मतलब अच्छे खासे स्पीड पे मेंटेन कर सकते हो। आई मीन टू से 60-80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाओगे तो बाइक बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है। एंड इस बाइक में एक स्पेशल फीचर है कि आपकी बाइक कितना किलोमीटर और जाएगी रिमेनिंग टंकी में आपका जितने तेल है उतने में, तो मेरे हिसाब से ना मेरी बाइक अभी 350 किलोमीटर और जाने वाली है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इससे ना नॉलेज रहता है कि आपकी बाइक एवरेज क्या दे रही है, जैसे कि अभी मेरी बाइक 52 का एवरेज दे रही है पर लीटर के हिसाब से एंड कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी है ना वो भी चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा चीज़ अगर आप लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो तो। तो अभी हर्षित पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है हम लोग को। कहाँ हर्षित, किधर किधर,
ले लो। हर्षित को शायद से पेट्रोल की जरूरत है बट अपने लोग को नहीं है क्योंकि बाइक 53 की एवरेज दे रही है। अभी बाइक में इतना फ्यूल है ना कि मैं लखनऊ चला जा सकता हूँ यहाँ से। आई मीन टू से 400 किलोमीटर अभी बाइक मेरी क्लॉक कर सकती है एज पर द मीटर ऑफ दिस बाइक। तो वो मैं आपको कहीं पर रोक के दिखाता हूँ। एवरेज की टेंशन लेना ही छोड़ दिया मैंने। एंड यहाँ पे बाइक रुकी, ओ हो। एंड ये देखो 369 किलोमीटर रेंज दे रही है गाड़ी अभी। एंड इसमें एक और फीचर मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें ए लिखा हुआ है ना, ए मतलब कुछ ऑटोमेटिक से समथिंग, मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता है। तो मैं कहीं कुछ नहीं छूऊंगा, बस पहले गाड़ी को न्यूट्रल में मैं डालूंगा, जैसे कि अभी गाड़ी न्यूट्रल में आ गई। एंड मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस इसको ऐसे कर देने का। एंड देखो बाइक स्टार्ट हो गई आरपीएम, मीटर पे आरपीएम आने लगा। ये जो फीचर है ना वो सिर्फ आपको इको मोड पे काम करता है। एंड ये आपको फ्यूल एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होने वाला अगर आप लॉन्ग टूर पे लेके जा रहे हो उस वाले बाइक को तो। एंड मतलब क्या साइलेंट स्टार्ट है, कोई घड़घड़ कोई झड़झड़ आवाज ही नहीं है बाइक में। स्टार्ट एक नंबर होती है, बहुत ही डेलिकेट वे में। आपको जैसा कि मैंने दिखाया ना कि अभी इस बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस ऑन हाईवे कैसा है, तो मैं आपको लिटरली बताऊंगा। भाई थोड़ा आगे आ जाओ, आवाज़ थोड़ा पीछे जा रहा होगा। मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि एक्सपीरियंस मेरा क्या है। एज पर मैंने अभी 30 किलोमीटर की राइड इस पर कर ली है। आप अगर मेरे चैनल पर अपडेटेड रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने CTR से बहुत सारी राइड्स करे हैं, या फिर अपने पल्सर 150 से भी राइड करा है। बट आपको मैं बताऊँ ना, दिस 125cc बाइक इज जस्ट मतलब अप टू द मार्क, यही कहूंगा मैं, क्योंकि आप इससे बहुत अच्छी अच्छी राइड कर सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इस बाइक को लेके हाईवे पे जा सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। बॉस, वी हैव अराइव टू हाईवे जंक्शन फॉर सम पेट पूजा। एंड यहाँ पे मेरे को बहुत ही प्यारा सा ब्रीड देखने को मिल रहा है, वो मेरे हिसाब से अमेरिकन बुल है या फिर अमेरिकन पिटबुल है, जो भी हो अमेरिकन पिटबुल ब्रीड है ये, तो मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगा। ऑल्दो दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव अराइव फॉर आवर ब्रेकफास्ट। आज क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन है, तो यहाँ पे मतलब आपको दिख भी रहा होगा क्रिसमस से रिलेटेड यहाँ पे डेकोरेशन हुए है। तो फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं एंड वहाँ से मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। एंड बॉस क्या बेहतरीन जगह है, यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं बैठने, क्योंकि हर्षित गया था पार्किंग में एंड हर्षित अभी इधर से भी आ रहा है। एंड यहाँ पे बैठ के हम लोग पेट पूजा करते हैं। ऑल्दो टॉकिंग अबाउट माय बाइक दैट इज TVS Raider 125, तो ये बहुत ही सुपीरियर बाइक, यू कैन गो एंड इजिली परचेज इट, क्योंकि ये बाइक आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देने वाली। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इस ब्लॉग का, उसमें होगा कि ऑफ रोडिंग मैं कर रहा हूँ TVS Raider से, एंड वो भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो कि नहीं इस बाइक से। ऑल्दो करता इस वाले ब्लॉग को ये एंड, आई होप आपको जो ब्लॉग था वो अच्छा लगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेशियस कमेंट देना ना भूलें। वन मोर थिंग, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।